अलवर के जनना अस्पताल में एक बार फिर जननी सुरक्षा योजना को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां आज चिकित्सा कर्मियों की अनदेखी के चलते एक प्रसूता की जान संकट में आ गई। वहीं उसका प्रसव अस्पताल के बाहर साइकिल स्टैंड पर करने की नौबत आ गई। आज सुबह अलवर के बगड़तिराह निवासी साहिब की पत्नी रेखा को प्रसव के लिए महिला चिकित्सालय लाया गया था। आरोप है कि मौके पर मौजूद स्टाफ ने लापरवाही बरतते हुए प्रसूता को भर्ती नहीं किया। एक घंटे तक प्रसव पीड़ा झेल रही प्रसूता को आखिरकार उसके परिजन वापस ले जाने लगे। तभी अस्पताल के बाहर स्थित साइकिल स्टैंड के समीप प्रसूता ने बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान प्रसूता के ससुर ने ही प्रसव करवाया। इसके बाद प्रसूता की हालत गंभीर देखते हुए आनन फानन में महिला चिकित्सालय प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद अब जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए गए हैं। वहीं परिजनों का आरोप है कि चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लापरवाही की गई, जिससे प्रसूता की जान भी जा सकती थी। साथ ही मजबूरन प्रसूता के ससुर को प्रसव कराना पड़ा। सर उतर क्या, हम आए थे सुबह लेके 5:30 बजे। उसने क्या किया कि भाई आप यहाँ लेट जाओ, लेट के उसने किया कि मैं अभी आती हूँ। वो जच्चे के दूसरे पे लग गए, समय उसके दर्द ज्यादा होने लग गए, हम घबरा गई। हमने कभी ये काम देखा नहीं था। फिर हमने बाहर ले आई थी लड़की को लाकर, और यहाँ पर आते इस पेड़ के नीचे आके बच्चा हो गया। आए तो थे ये, पर पहुँचे नहीं है। इतने इतने तो उसके पिता मेरे घर वाले ने बच्चा पैदा कर दिया। अब क्या करेगा, आँख मीच के तो करना ही पड़ेगा, सब मारा तो जागा नहीं। वहीं इस संबंध में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भगवान साहे का कहना था कि उन्हें इस संबंध में कोई विशेष जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं मामले की जानकारी कर संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये जो घटना है आप लोगों से मेरे को प्राप्त हुई है, वहाँ से अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं आई है कि कोई डिलीवरी बाहर हुई है। और अगर मान लो बाहर हुई है तो उसकी जाँच करवाएंगे, क्यों हुई है, क्या कारण रहा उसका। जनरल अस्पताल में इमरजेंसी में डॉक्टर उपलब्ध रहता है, स्टाफ उपलब्ध रहता है, उसके बावजूद अगर पेशेंट को अटेंड नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया है, इसकी जांच करवाएंगे, जो भी दोषी को उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि अलवर का महिला चिकित्सालय जननी सुरक्षा योजना की धज्जिया उड़ाने के लिए कुख्यात है। यहां पहले भी कई प्रसूताओं की जान के साथ खिलवाड़ हो चुका है। इसके बावजूद हर बार जांच करने की बात कहकर मामले पर लीपापोती कर दी जाती है।